हरि के कथाला सुनावोगा भैया मु प्रभु के कथाला बतावोगा भैया मु हरि के कथाला सुनावोगा हरि कथा के सुनैया श्रोता समाज आओ आप सबला दानी राजा मोरध्वज के अमर गाथा जन कल्याण हेतु हरि कथा सुनाथन। कोई प्रकार से गलती होही तो अपने लड़का समझ के क्षमा करहा। श्रोतावृंद, एक समय के बात है, एक दिन अर्जुन परम सखा श्री कृष्णचंद्र जी ला कहे लगते कि हे सखा। एक दिन अर्जुन कहते श्री कृष्ण कन्हैयाला राधा के मोहन यौ बलदाऊ जी के भैयाला। हे मोहन, मोरले बड़े भक्त नहीं है तोरी ये दुनिया मा, होज आयो आकाश यौ पताल लोक भैयाला। अर्जुन गर्भ में भर के कहे लगते हे मुरारी, तुहर बनाए दुनिया ला मैं सब जगह ला देख के आगे खोज के आगे कि मोर से बड़े भक्ति तुम्हार दुनिया में कोनो नहीं। अर्जुन गर्भ में कहा थे भगवान जान डर थे कि मोर सखा के मन में अहंकार के बीज अंकुर फेंका थे। अर्जुन ला हो जाते संगी गाड़ा भर गुमान गा तो संग में चल के देख ले कई थे श्री भगवान का। मायापति माया फेरिन कई थे कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, जैसन भगवान के नाम अनंत है वैसन है प्रभु के लीला भी अनंत है। हरि के कथा ला सुनावोगा भैया मु के किस्सा ला सुनावोगा भैया मु हरि के कथा ला भगवान कृष्णचंद्र जी मायापति ऐसे माया फेरिन अर्जुन ल कहे लगिन कि सखा अर्जुन तय कहथस के मोरले बड़े भक्त नहीं है संसार मा, तो चल मैं तोला आज अपन एक भक्त के यहाँ ले चलत हूँ, वो भक्त के ते दर्शन करके धन्य हो जावे। भगवान कृष्णचंद्र जी अर्जुन कृष्ण साधु के वेश बनाई से
यमराज लसेर बना के अपन संग लगाई से। अर्जुन और कृष्ण साधु के रूप धारण करके यमराज लसेर बनाई से और संग में लगा के तीनों जन मिल के राजा मोरज ध्वज घर आई से। अद्वारी में खड़े द्वार पाल ल देख पाई से। तीनों जन मिलके राजा मोरज ध्वज के राजमा जिला ज्ञानी जन कवि जन बताते सतयुग मा हीरापुर कहा त्रेता मा मणिपुर द्वापर मा रत्नपुर और कलयुग मा रतनपुर के नाम से प्रसिद्ध विश्वविख्यात माता महामाया के धाम जिहा राजा मोरज ध्वज के राज्य रही से वहाँ भगवान कृष्णचंद्र जी अपन सखा अर्जुन और यमराज सहित रूप धारण करके पधारिन। पहुंचिन जब नगर मा राजा मोरज ध्वज के सिंह दरवाजा में पहुंची द्वारपाल खड़े पहरा दे। भगवान द्वारपाल कह लगिन के अय द्वारपाल द्वारपाल ला कही थे अपन राजा ला बता दे दुजन साधु संग मसेर आए हे अतकिच बस चेता दे। द्वारपाल दौड़त गई राजा मोरज ध्वजला साधु के समाचार बताय लगिन कह लगिन के हे महाराज आज तुम्हार राज दरबार में दो जन साधु और संग में शेर आए हैं जिन तुम्हार रास्ता देखत खड़े हैं। हरि के कथाला सुनावागा भैया मू प्रभु के किसाला सुनावागा भैया मू हरि के कथाला राजा मोरज ध्वज जब सुनिस कि आज मोर घर में साधु पधारे हैं राजा मोरज ध्वज अपन भाग्य ला सहराय लगिस और द्वारपाल की बात ला सुनके उत्का सुनके झटपट राजा मोरज ध्वज आई से। और द्वारी में खड़े साधु मन ला देख पाई से। राजा मोरज ध्वज धन्य साधु महाराज दंडवत प्रणाम करी चरण धोके पीस पानी ओ मोर घर अतिथि पधार मुरले कौन भाग माने। राजा मोरज ध्वज रानी पिंगला ला बलाइन और सह परिवार साधु मन के चरण ला धोइन और चरणामृत लेके सुघर आसन में बैठाई। आसन में बैठाए के बाद राजा मोरज ध्वज हाथ जोड़ के साधु मन ला पूछे लगते के हे साधु महाराज देखर पाछू राजा पूछे स्वामी कैसे आए हो और का काम पर के तुम्हला अतेक दुख उठाए हो। हे साधु महाराज तुम्हार दिव्य प्रकाश से ऐसे लगते कि आप बहुत बड़े पहुंचे हुए साधु हो का सेवा करो बताओ का ऐसा काम पर के मोर से जिनकी आप मोर तक पधारे हो सेवा के मौका दो नाथ। राजा मोरज ध्वज साधु मन से आग्रह करे लगी। साधु कहे लगी
उत्का में साधु कहते ही एक बिचारी है। अवाए हवन तोर मेरन काम बड़ा भारी है। साधु महाराज पटले कह लगिन कि राजा मूरध्वज, हम तोर मेर बहुत बड़े काम लेके आए हैं। राजा मूरध्वज कह लगिस के महाराज आप बताओ तो सही। साधु कह लगिन के राजा मूरध्वज सोचा थन मांगबो कहा थन तिला तय का दे सकबे, जवान खाली होए जन हमर मान तय का करे सकबे। हरि के कथाला सुनाओगा भैया मू, प्रभु के किसाला सुनाओगा भैया मू, हरि के कथाला कह लगिन के हे राजा मूरध्वज मांगबो कहथन तेला तय का दे सकबे, जुबान खाली होए जन हमर मान तय का करे सकबे। राजा सोचा थन हम कहू तोर से दान मांगे और तय कहू नहीं दे सको कहबे, यही सोच के हम तोर से कुछ नहीं कहथन। राजा आतुर हो जाते कहलक थे कि महाराज मैं तो आपला पहले कहा था कि मैं का सेवा करो, आपला का चाहिए बताओ तो सही। राजा बार बार पूछे लगे साधु से कि महाराज बतावा आपला का चाहिए। साधु कह लगिन कि राजा मूरध्वज जब तय मांग मांग कहा था तो सुन कहीं हमला का चाहिए। तीन बार वचन हराई साधु देखर बात कह लगी कि राजा अपन हाथ में अपन बेटा ला काटेला पर ही, शेर और साधु दोनों ला आधा आधा बाटेल पर ही। राजा मूरध्वज अपन हाथ में अपन बेटा ला काटेल पर ही, शेर और साधु दोनों ला आधा आधा बाटेल पर ही। यदि दान देहू कहथस दान दे के मन होई तो हाँ कई, नहीं तो हम चले कहूं और जाके धोनी रवाबो। राजा साधु महाराज के बात ल सुन के अतका बात ल सुन के राजा मूरध्वज अकबर कागे अदेहा वैसन कही के रानी पिंगला में रनागे। रानी पिंगला के महल में गईनो कहिन के रानी आज दो जन साधु आहे राज दरबार में, तिला मैं एक ठो दान दे हो। रानी रानी ललक के पूछे लगी महाराज बड़ा खुशी के बात है आप सदैव दान करत आए हो, आज का दान दे हो बताओ तो सही। राजा मूरध्वज साधु के कहे बात ला बताए लगी कहिस के रानी अपन हाथ में अपन बेटा ला काटेला पर ही, शेर और साधु दोनों ला आधा आधा बाटेल पर ही। रानी साधु बेटा ला दान में मांगीस और साधु के कहना है कि अपन बेटा ला आराम चीर के उखर भोजन बनाओ और हमला खिलाओ। राजा मूरध्वज अति व्याकुल स्थिति में रानी पिंगला ला कह लगिन कि रानी पिंगला सुन रानी
रानी, आज परीक्षा के समय आगे मोला आशा है कि तहु मोर संग जरूर देवे। सुन रानी, जोगी आए हम द्वार। सुन रानी, जोगी आए हम द्वार। बेटल काट के पिंगला साधु मनला मैं जुबान देके आ गया हूं। देके जुबान वो मनला आए हो तोर तिरन में, देके जुबान वो मनला आए हो तोर तिरन में। एकलौता बेटा के संगहा छुट जाही आज के छिन। रानी पिंगला, आज एक जी इकलौता बेटा है तेन्हा कुछ घड़ी के मेहमान है। रानी हे रानी, इकलौता बेटा के संगहा छुट जाही आज के छिन। रहे परन झन रोबे गावे, छुटत है कुल के निशानी। सुन रानी, जोगी आए हम रुद्वार। सुन रानी, जोगी आए हम साधु के कहना है रानी, बड़ा जोर के भूख लगे है, बघवा घलुक भुखाए हवे, बघवा भुखाए हवे, खाही एक फाकीला, एक चानी ल रांधे पथरा कस करके छाती ला। रानी पिंगला, बघवा भुखाए हवे खाही एक फाकीला, बघवा भूखाए हवे खाही एक फाकीला, एक चानील रांध बिपथरा कस करके छातीला, एक चानील रांध बिपथरा कस करके छातीला। रहे परन झन रोबे गावे, आए हम रुद्वारे।
भक्ता वृंद, साधु मन के कहे बात ला राजा मोरा ध्वज भली भांति रानी पिंगला ला बताई। रानी पिंगला राजा के बात ला सुन के अति व्याकुल हो उठते और कहे लगते कि हे परमात्मा, कभू काल के ते हमला एक जी बेटा दे, दिन लाज कैसे ते लूटा था समर सो। रानी कहे लगते उत्का में रानी कही थे भाग मोर फूट गेगा, एक झन मोर बेटा हवा उखरो संग छूट गेगा। उत्केज बिरा राजा रानी के बेटा ताम्रध्वज संगी मनसोले खेल के आईस, महतारी के आंखी में आंसू देखीस, महतारी के अचरा ला पकड़ के कह लगीस कि दाई, ते रोज मुला देखस तहासस गुठियास पुटारस मया करस दुलारस, आज तुला कादुक पर के महतारी तो राखी में आंसू काबर बहात है। श्रोतावृंद, महतारी के मया मानिस नहीं, बताए लगिस के बेटा कवि जन माँ के ममता के बारे में बड़ा ही सुंदर ढंग से लेख लिखी। एक महतारी के एक बेटा रहा है, वो बेटा ला एक वेशिया से प्रेम हो जाते है। लड़का प्रेम मा अंधवा हो जाते है और अचल संपत्ति ला वेशिया के नाम कर देते है। एक दिन वेशिया ला कही थे कि मैं अचल संपत्ति ला तो नाम कर दे हूं, अब तो तैमूर से बिहाव कर ले। वेशिया कहिस कि नहीं, यदि वास्तविक तैमूर से बिहाव करना चाहत हुए तो जा पहले कहीं सपन महतारी के करेजा ले के आ, देखर पाछू मैं तोर से बिहाव करी हूं। प्रेम मान हुआ लड़का वेशिया के कहने लमान के घर गई। महतारी सूते रहे, मार के कटारी सीना ला चीर दीस और महतारी के करेजा ला लेके वेशिया के घर के ओर चले लगे। रास्ता में हपट के गिर जाते और हाथ ले करेजा छिटक के फेंका जाते। तब बोले महतारी के करेजा अर्थात आत्मा ले आवाज आए लगते, धीरे धीरे रेंग रे बेटा कोनो मेर तुला लागिस तुकरी। श्रोतावृंद, माँ के ममता अतिक महान होते जिला पाए बर देवता घलोक तरसते। रानी पिंगला अपन बेटा ताम्रध्वज ला बताते अब आगू का होते भाई। हरि के कथा ला सुनावोगा भैया मु, प्रभु के किस्सा ला सुनावोगा भैया मु, हरि के कथा ला अपन बेटा ताम्रध्वज ला बताते कि बेटा दू जन साधु संग में शेर आए हे, तेन मन तुला दान में मांगलिस रे मोरलाल। श्रोतावृंद,
रानी पिंगला भली भांति अपन बेटा ताम्रध्वज भजला कहत है कि बेटा हम दाई दादा दोनों मिल के रे तोर मुड़ी मा आरा चलाबो रे बेटा और तेखर पाछू डेरी अंगला बघवाला परोसबो रे बेटा और जेवनी अंके भोजन बना के साधु मल्ला परोसबो। ताम्रध्वज दाई दादा के बात ला सुन के बड़ा गदगद हो जाते और कहलक थे कि दाई बस अतके कन बात भर तो आँखी ले आंसू बहा था नहीं अतका मत ताम्रध्वज कही थे दाई का भर रोथा वो अतका कन बात भर उदास का भर होता वो धन्य है मोर भागला मोर मास के भोजन बनही थोर बहुत नहीं पूरा ठाठ के भोजन बनही। दाई आज जिन मैं मनुष्य तन पाए हूं ये मोर जीवन सफल हो गए माता तें रो मत चिरई चिरगुन से लेके पशु पक्षी हर चीज के चाम हाड़ हा काम माथे महतारी मानव तन के तो कुछ काम मन नहीं आवे ते रो मत। ताम्रध्वज अपन महतारी ल कहत है कि मैया मुर मैया मोर जिंदगी संवर ही धन है मोला आंसू गिरा थस का बरदाई मोर उमर लग जावे तोला। दाई ते रो मत दाई ते रो मत। राजा रानी मन ला संतोष करत है अपन अपन मन ला बोधत है तेखर पाछू साधु ला देह वचन ला निभाए खातिर बर तेखर पाछू ताम्रध्वज ला अंगनामा खड़ा कराई से और राजा रानी दोनों मिलके आरा ला चलाई से भरे राज दरबार मा अपन बेटा ताम्रध्वजला खड़ा करा के राजा रानी आरला चलाए लगी। पूरा पुरवासी टकटकी लगा के देखा थे और आंखी ले आंसू के धार बहा थे। आ रहा चले संगी खर खर आवाज आवे और जत के गहरी मजावे तत के लहू हा बुहावे लैका के दुखला तुमन जानत हो संगवारी और बेटा ऊपर कत कमया करते बाप महतारी। श्रोतावृंद आप सब भली भांति परिचित हो अपन के लैका कनवा रहे खोरवा रहे अच्छा रहे के खराब रहे अपन के बेटा हीरा है आप ये बात से भली भांति परिचित हो। वो समय के विडंबना ला मैं कैसे बताऊं कुन मुंह में गा के सुनाऊं तब होले जतका मुर से बन पड़ा थे हरी कृपा से आप सबला सुना था आओ सुनो कैसे बताऊं कैसे बताओ रानी राजा बेटा के मुड़ मरे गावत यारा कैसे बताओ रानी राजा बेटा के मुड़ मरे गावत यारा कैसे बताओ रानी राजा बेटा के मुड़ मरे गावत यारा
में डेरा थी माँ, सुख दुख गरीबी अगौती माँ, कब आ जाई कौन डेरा थी माँ, सुख दुख गरीबी अगौती माँ, मैं तो पासा पर सदा बारा, चल बेटा के मुड़ी मरा, कैसे बताओ रानी राजा बेटा के मुड़ मरेगा बतरा, कैसे बताओ रानी राजा बेटा के मुड़ मचला बतरा। जस जस आरा गहरियात जाए, तस तस पुरवासी मन के आंखें ले आंसू के धार बहावे, सब आवाज होके बिल्कुल बैठे, राजा मोरा ध्वज रानी पिंगला की आंखें ले आंसू के धार बहाए लगे, लेकिन साधु मन के कहने ला सुरता करी के बेटा ला चीरत खानी एक बूंद आंसू नहीं गिरना है, कैसे विडम्बना और कैसे परिस्थिति भगवान लाके सामने खड़ा कर दे। आरा गड़े लहू धार चले हीरे ते माँ बड़ोरा करेरा, आरा गड़े लहू धार चले हीरे ते माँ बड़ोरा करेरा, जोगी के कहना ये को बूंद आंसू की रह जन चीरे के बेरा, जोगी के कहना ये को बूंद आंसू की रह जन चीरे के बेरा, भगवा डेरी अंग लखाही जीवनी अंग रानी पकाही, भगवा डेरी अंग लखाही जीवनी अंग रानी पकाही, देवता हो ही हम रुझारा, चल बेटा के मुड़ी मयारा, कैसे बताओ रानी राजा बेटा के मुड़ मरेगा बतरा, कैसे बताओ रानी राजा बेटा के मुड़ मचला बतरा। सब ऊपर वाले के इच्छा नीलत ना उगलत बने होगे सांप छुछु कस किसा। श्रोता संगवारी, भाग्य व सांप को छुछु वाला पकड़ लेते, सियान मन बताते सांप यदि छुछु वाला लील देते तो मर जाते, यदि उगल देते तो आंखी फूट जाते। वही परिस्थिति राजा मोरत ध्वज के हो गए, मन में विचार करी कि साधु ला वचन दे दिया हूँ कि बेटा ला दान में दूँ, नहीं दूँ तो मोर अपमान होही, मोर सत्य के अपमान होही, पूरा वंश के अपमान होही। राजा मन में दृढ़ प्रतिज्ञा करके प्राण रहे का जुबान कटे सब ऊपर वाले के इच्छा, नीलत ना उगलत बने होगी सांप छुछु कस किसा, प्राण रहे का जुबान कटे सब ऊपर वाले के इच्छा, नीलत ना उगलत बने होगी सांप छुछु कस किसा, बिजुरी बने बेटा बोतागे रण के खातिर आज कटागे, बिजुरी बने बेटा बोतागे रण के खातिर आज कटागे, कब कोरा माया वे दोबारा, चल बेटा के मुड़ी मयारा, कैसे बताओ रानी राजा बेटा के मुड़ मरेगा बतरा, कैसे बताओ रानी राजा बेटा के मुड़ मरेगा बतरा, कब आ जाई कौन डेरा उठी माँ, सुख दुख गरीबी अगौती माँ, कब आ जाई कौन डेरा उठी माँ, सुख दुख गरीबी।
करी बिया गौतिमा ने तो पासा पर सदावारा चल बेटा के मुड़ी मया कैसे बताऊंगा राजा बेटा की मुड़ मरेगा बतला कैसे बताऊंगा राजा बेटा की मुड़ मरेगा बतला कैसे बताऊंगा राजा बेटा की मुड़ मरेगा बतला। श्रोतावृंद, राजा मोरध्वज और रानी पिंगला अपन बेटा ताम्रध्वज के मुड़ी मा आरी ल चलात है। आरी जब चीरे लगिस ताम्रध्वज ला तब प्रभु के ऐसे माया कि ताम्रध्वज के डेरी आंखी ले आंसू के धार बहाय लगिस। साधु अपन कहे हुए बात ला दोहराए लगिस कि राजा मोरध्वज जोगी के कहना एको बूंद आंसू गिरा झन चीरे के बेरा। मैं तोला पहली कह रहे हूं राजा कि आंसू झन गिरा और डेरी आंखी ले आंसू के धार बहत है। ये अंगला बघवा अब नहीं खावा। ये प्रकार से साधु जो है राजा मोरध्वज ला कहे लगिन अवितिवर का हुआ थे आसुनी। एक अंगल रानी पिंगला भोजन बनाई। भोजन बन के जब तैयार हो जाते भोजन बन के हो गए भोजन बन के हो गए तब रानी बलावे साधुला चला स्वामी भोजन कर लो पानी मढ़ावे आगुला। श्रोता संगवारी, धन्य वो महतारीला अपन बेटा ल चीर के उखर मांस के भोजन बना के साधु महाराज मल्ला भोजन जमाए बर लोटा में पानी धर के गई होता। लेकिन कहे साधु महाराज भोजन तैयार है, चला आप मिलके भोजन ग्रहण कर लो। हरि के कथला हरि के कथला सुनाऊंगा भैया मोर प्रभु के किसाला सुनाऊंगा भैया हरि के कथला सुनाऊंगा हरि के कथला सुनाऊं दीदी मोर प्रभु के कथला सुनाऊं बन्नी मोर प्रभु के किसाला सुनाऊं दीदी हरि के कथला सुना साधु महाराज मन लाग्रह करत है कि हे महाराज भोजन मन के तैयार हो गए चलो आप भोजन ग्रहण कर लो। तब साधु महाराज भोजन करे बर बैठ के साधु रानी परोसे तब कहीं थे साधु मजाया ही भोजन करे मया भोजन करे पर बैठ के साधु रानी परोसे भात तब कहीं थे साधु मजा ही भोजन करे मार। साधु कह लगी कि आज जीवन में पहली ऐसे अवसर हमला मिले है कि आज के भोजन जो है बड़ा ही आनंद है। वही समय
साधु राजा मोरत ध्वजा कहलक थे कि राजा हम दू कावर तहु हमर संग बैठ के भोजन करते तो बड़ा आनंद आती। राजा मोरत ध्वज धर्म संकट में फंस जाते। राजा मन में विचार करे बेटा के मांस खाऊं कैसे, नहीं खाऊं तो मैं साधु वचन निभाऊं कैसे। राजा मन में विचार करिस के हे परमात्मा बेटा ला दान में दे, बेटा ला अपन हाथ में चीरे काटे उखर मांस के भोजन बना के साधु मन ला परोसे, और आज बेटा के मांस खाए के दिन आ गए, मैं करूं तो करूं का। साधु के कहना नहीं मानत हूं तो साधु के अवज्ञा होते का करूं। वही समय साधु पूछे लगिस के राजा मोरत ध्वज तोर अव एको जी संतान है। राजा मोरत ध्वज हाथ जोड़ के कह लगिस कि नहीं महाराज, मोर एक बेटा रही से जला मैं आप ला दान में दे दे। हरि के कथा ला सुनावौगा भैया मोर, प्रभु के किस्सा ला सुनावौगा भैया मोर, हरि के कथा ला सुनावौगा भैया मोर, हरि के किस्सा ला सुनावौ दीदी मोर, प्रभु के कथा ला सुनावौ दीदी मोर, हरि के किस्सा ला सुनावौ दीदी मोर, हरि के कथा ला सुना राजा मोरत ध्वज कह लगिस कि नहीं महाराज, मोर एक बेटा रही से जला मैं आप ला दान में दे दे। साधु कह लगिस कि हत्र निर्वंशी तोर हाथ के भोजन कैसे करबो, एक मुठा भात पर अपन मान भंग कैसे करबो। राजा मोरत ध्वज जेकर संतान रहते वोला वंशी के थे, जेकर संतान नहीं रहे वोला निर्वंशी के थे। राजा मोरत ध्वज नियम अनुसार ते निर्वंशी हो गए, काबर तोर एक बेटा रही से जिला तय मार के हमला दान मिल। राजा की आंखें ले आंसू बहाय लगी और कह लगिन कि महाराज आप मुर घर से भोजन ग्रहण करके जाओ स्वामी, मुर मन ला संतुष्टि मिल। साधु साहब साहब कह लगिन कि राजा हम ललात नहीं हन, भूख नहीं मरत हन, एक मुठा भात पर हम अपन मान ला भंग कर दे। नहीं राजा, यदि वास्तविक से हमला भोजन कराना चाहत हस तो बला अपन बेटा ला। राजा और रानी दोनों मिलके अपन बेटा ताम्रा ध्वज ला बलाए लगिन, कहे लगिन के बेटा ताम्रा ध्वज तय कौन मेर लुक आगे हे रे मोर लाल, तोर आत्मा कौन मेर हो ही रे मोर बेटा। राजा रानी बिलख बिलख के मरे हुए बेटा ताम्रक ध्वजला बलाए लगिन और कह लगिन के बेटा ताम्रक ध्वज लुका गए बेटा लुका गए रे, लुका गए बेटा गवा गए रे, कौन मेर होवे रे मोर लाल, कौन मेर जाके मेरे जाके लुका
राजा रानी बिलक बिलक के बेटा ला बला था। बेटा के जब कहूं सोर आरो पता नहीं चले, तब महतारी के आत्मा कहे लगी इसके बेटा काम न था। दाई के आंसू नो भाई बेटा दूध के धार बेटा ताम्रध्वज, ये महतारी के आंसू नो हरे मुरलाल। दाई के आंसू नो हरे बेटा दूध के धार राजा मुरध्वज कह लगिन बेटा। ददा के आंसू नो हरे बाबू उनके धार बुहार, ददा के आंसू नो हरे बेटा उनके धार बुहार। मोर बुढ़ापा के तय लाठी, मोर बुढ़ापा के तय लाठी हजा गए रे राजा रानी बिलख बिलख के बेटा ताम्रध्वज ला बला थे। आना बेटा कही कही के, राजा रानी बलावे सुन माया के बोली बेटा। दौड़त दौड़त श्रोता संगवारी हो, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जेकर पार कोनो नहीं पाए, जेकर नाम अनंत तेकर कथा भी अनंत। परमात्मा के ऐसन माया के जेन बेटा ला मार के दान दे रही से, वही बेटा दाई दादा के प्रेम भरे आवाज ला सुन के दौड़त आ जाते और कहे लगते कि दाई काबर बलाए दाई तह जल्दी बता न मोलाओ, संगी सब देखत हवे खेलबो बाटी भराओ। मरे हुए बेटा एकाएक आके महतारी के अचरा ला पकड़ के कहे लगी इसके दाई काबर बला है दाई, संगी मन संग में सुखर खेलत रहे ते बलाए काबर हस बता तू जल्दी, सब संगी मोर बाहिर रास्ता देखा। रानी पिंगला राजा मोरध्वज मरे हुए बेटा ला जब एकाएक जीवित देखी, उत्का में रानी ताम्र ध्वजला पुटारे बेटा मोर बेटा कही के गोदी मां बैठा रे। रानी बेटा ला पुटार ले, बार बार चुम्मा ले लगिन, बार बार बनैया जाए लगिन और कह लगी करे मुरलाल ते कौन में रहे रे बेटा, ते कौन में लुका के रहे रे मुरलाल। नाना प्रकार शब्द से अपन बेटा ला संबोधित करे लगिन, प्रेम करे लगिन और कह लगिन के बेटा ते कहाँ चल दे रहे रे। राजा रानी मन में विचार करी
कि आज हमर राज दरबार में साधु बन के आए, ये कोई मामूली साधु नो है, मामूली संत नो है। हो न हो आज परमात्मा हमर परीक्षा ले बराबर। तब राजा रानी साधु मनला, हाथ जोड़ के कही थे और कोनो तुम बता दो स्वामी आई हुई हाँ कैसे। राजा रानी साधु मन के आगू में खड़ा होके हाथ जोड़ के कहलक थे कि हे साधु महाराज, आप कौन हो, नर हो कि नारायण हो, आप कौन हो, अपन वास्तविक स्वरूप के हमला दर्शन दो, और आप यहाँ का प्रयोजन लेके आए हो बताओ तो सही। भक्त के बात सुन साधु बने भगवान कृष्णचंद्र जी, तो जब मुस्काइन कृष्ण मुरारी, तब अर्जुन सकुचावे हाथ जोड़ खड़े, यम राजा प्रभु जयकार बुलावे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि के कथा हरि के कथा ला सुनाओ गा भैया के किसाला सुनाओ गा भैया हरि के कथा ला मुरारी, तभी अर्जुन सकुचावे हाथ जोड़ खड़े, यम राजा प्रभु जयकार बुलावे। भगवान कृष्णचंद्र जी साधु के रूप ल त्याग करके अपन वास्तविक स्वरूप माई, भगवान कृष्णचंद्र जी मंद मंद मुस्काते, अर्जुन लाज शरम के मारे मुड़ी लगड़ियाए गले चुप खड़े। द्वारि तीर यमराज शेर बने यमराज, भगवान कृष्णचंद्र जी के पावन नाम के जय जयकार बुलात रहे। तब भगवान कृष्णचंद्र जी कहिस कि परम सखा अर्जुन, देखे तोर ले कतका बड़े बड़े भक्ति इस संसार में है। हे सखा, यदि तोला आओ कहूं भक्त देखे के इच्छा हुई शौक हुई तो चल, मैं तोला आओ दूसर राज्य ले चला था, दूसर भक्त के दुआरी ले चला था, आओ देख लेवे ऐसे नहीं भक्त। अर्जुन लाज के मारे मुड़ी ला नीचे गड़ी आए, भगवान के पांव तरी गिर गया, कह लगिन के हे मोहन, हे माधव, हे मुरारी, हे केशव, जान डरे कि तोर महिमा कत का बड़ा भारी है। और आज तोर भक्त के भी महिमा मैं देखे हूँ, जाने सुने हूँ, सचमुच में तुम्हार बनाए संसार में कतका बड़े बड़े अनन्य भक्त पड़े हैं, जेखर आज मैं अपन आंखी भर टकटक ले दर्शन करें। अर्जुन अपन गलती के एहसास करें, तत्पश्चात भगवान कृष्णचंद्र जी राजा मोरत ध्वज लगा लगीस कि हे राजा मोरत ध्वज, मैं तोर प्रेम बलिदान में अत्यंत प्रसन्न हूँ, कोई वर के इच्छा हुई तो मांग ले। श्रोतावृंद,
राजा मोरध्वज चाहतीस त धन संपत्ति सुख संपदा ऐश्वर्य मांगतीस, लेकिन राजा मोरध्वज ऐसा कुछ नहीं मांगतीस। हाथ जोड़ के कह लगिन कि हे प्रभु, यदि वास्तविक आप मोर पर प्रसन्न हो तो आप मोला अतके वरदान देवो कि जैसन कठिन परीक्षा आप मोर से लेहे हो ऐसन कठिन परीक्षा अपन और कोनो भक्त से मत ले। ये प्रकार से राजा मोरध्वज भगवान कृष्णचंद्र जी से वरदान मांगे। भगवान मायापति कृष्णचंद्र जी वरदान दिन आशीर्वाद दिन और कह लगिन के धन है राजा मोरध्वज, जैसन है राजा मोरध्वज तैसन है ओखर रानी पिंगला। चलत चलत भगवान कहे लगिन, तै कहाई मोरज ध्वज दानी, तै कहाई मोरज ध्वज दानी, जैसे राजा वखर वैसे रानी, जैसे राजा वखर वैसे रानी, तै कहाई मोरज ध्वज दानी, तै कहाई मोरज ध्वज दानी, जैसे राजा मुखर वैसे रानी, जैसे राजा मुखर वैसे रानी। हरि के कथला सुनायो गाभिया मो, प्रभु के किसाला सुनायो गाभिया, हरि के कथला सुनायो। Digital Recording Studio, Cordoba. Contact number 9907119215.